नमस्ते, स्वागत आपका इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज एक इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पे हम जानेंगे बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरीके से अलग अलग जो बिजनेस के स्ट्रक्चर होते हैं किस तरीके से आप उसको उसका फायदा उठा सकते हैं। और आज है हमारे साथ सीए विजेंद्र जैन, जो आपके इंदौर से हैं, इंदौर मध्य प्रदेश, और उनके पास बहुत ही एक ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन्होंने ऑडिट, टैक्सेशन, फाइनेंस और अकाउंटिंग में बहुत ही काम किया है, बहुत ही एक्सटेंसिवली उन्होंने काम किया। तो उनके साथ आज हम बात करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे, और ये जो बिजनेस का स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ताकि आसान भाषा में आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। और अगर आप अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, ऑलरेडी आपने शुरू कर दिया है, बट अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, सो बिजनेस स्ट्रक्चर जो है ये बहुत ही एक वाइटल चीज़ होता है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरव्यू को। सो सबसे पहले स्वागत है आपका विजेंद्र जी, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू। सो आज बिजनेस स्ट्रक्चर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट बिजनेस स्ट्रक्चर, अगर आपने बिजनेस बहुत अच्छा बना लिया बट अगर आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है ना, तो फिर फाउंडेशन सही नहीं होगा, तो फिर जब आप उसको ग्रो करने जाएंगे देन इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने, जो जेनरिक क्वेश्चंस होते हैं या बहुत सारे जो हमारे पास इनपुट आते हैं, उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, एंड प्लीज़ फील फ्री टू शेयर योर आंसर्स, एंड देन वी कैन हैव अ वेरी, यू नो, वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन। सो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जब भी हम कोई भी एंटरप्रेन्योर बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो उसको कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर समझना, मतलब बिजनेस स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा सोचिए कि कोई लेमैन है, उसको समझ में नहीं आता, उसको कोई आइडिया नहीं है, मे बी ही इज़ फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड या नॉन यू नो फाइनेंस बैकग्राउंड या नॉन लीगल बैकग्राउंड, तो उसके लिए थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाइड तरीके से अगर आप समझा पाए कि क्या क्या चीज़ें कंसिडर करना चाहिए जब वो बिजनेस स्ट्रक्चर बिजनेस शुरू करने वाला है, तो कैसे और किस तरीके का बिजनेस स्ट्रक्चर है इंडिया में। ओके, सो प्राइमरीली अगर हम बात करें कोई भी बिजनेस इनिशिएट करने से पहले, हम सबसे प्रायर चीज़ जो हमको सोचनी होती है वो हमको सोचनी होती है हमारी पर्सनल लाइबिलिटी, कि हम पे क्या पर्सनल लाइबिलिटी आने वाली है इन करंट सिनारियो एंड इन फ्यूचर सिनारियो ऑल्सो, कि हम कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ विच एवर वी स्टार्ट, चाहे वो एक कंपनी हो, बिजनेस स्ट्रक्चर डिफर कर सकता है कंपनी से लेकर एक सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस तक जो एक इंडिविजुअल स्टार्ट कर रहा है, तो सबके अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं, अपने अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं, और हमको उसमें सबसे पहले ये सोचना होता है कि हमारी पर्सनल लाइबिलिटी क्या रहेगी उस चीज़ में आज और फ्यूचर में। उसके अलावा हमको ये भी देखना होता है कि उसके टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या क्या रहेंगे, टैक्स में टैक्स डिफर करता है, टैक्स स्लैब्स होती है, टैक्स रेट्स डिफर करती है, ऑल्सो इनिशियल कॉस्ट कितनी लगेगी। कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रायोरिटी हमारी ये रहती है कि आज हमारे पास कितना कैपिटल है, हम उसको कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना हमको सेविंग्स रखनी है, कितना हमको फ्यूचर के लिए करना है, तो हमारा इनिशियल कैपिटल बहुत ज़रूरी होता है टू टेक अ डिसीजन। मैनी पीपल प्रेफर कि सारा बिजनेस का कंट्रोल हमारे पास रहे, बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि हम स्टार्ट में कंट्रोल डाइल्यूट करते जाएं, जैसे हम आजकल शार्क टैंक में भी देखते हैं, पीपल कम फॉर फंडिंग, रेजिंग देयर कैपिटल एंड ऑल दैट थिंग्स, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। फिर ईज ऑफ स्टार्टिंग एनी बिजनेस, कंप्लायंसेज रिक्वायरमेंट्स, फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेशंस, ये सब बहुत डिफरेंट वेरी करता है हर बिजनेस स्ट्रक्चर के साथ, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कंसिडर करने के लिए कि हमको कैसा बिजनेस स्टार्ट करना है, हमको क्या कंसिडर करना है। ऑल्सो वट आई ऑलवेज थिंक इज एक हमको रिस्क फैक्टर भी देखना चाहिए कि हम हमेशा एक रिस्क फैक्टर के साथ हम बिजनेस को प्लान करें कि हम अपना रिस्क कितना लेने के अवर्स हैं, कितना हम उसको आगे देखते हैं। वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर इज कि एग्जिट ऑप्शन भी हमारे पास हमेशा हमारे माइंड में होना चाहिए। जो एक बहुत बड़ा रीजन होता है, हम हमेशा एंट्री का जरूर सोचते हैं, बट हमको एटलीस्ट व्हेनेवर यू आर आस्क्ड, कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं, कभी भी हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहां देखते हैं, तो वो हमारे माइंड में एक थॉट प्रोसेस हमेशा होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट आई सपोज एक स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे माइंड में। गॉट इट। तो यहाँ पे जस्ट एक सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे आपने बताया कि कुछ जो जो फैक्टर्स हमें कंसिडर करना चाहिए, एक होता है कि फंडिंग साइज, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होगा, मे बी हम बाद में उसमें पार्टनर एडअप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, एंड सबसे बड़ा चीज़ होता है कि कंप्लायंस, क्योंकि जैसे कुछ कुछ जो बिजनेस स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे कंप्लायंस, मतलब ऐसा सच कोई कंप्लायंस की जरूरत नहीं होती, जैसे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, आप खुद का आईटी फाइल कर रहे हो, दैट इज़ डन। सो उसमें अगर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि जस्ट एक यू नो ब्रॉड ओवरव्यू, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप किसके अंदर फॉल करता है, LLP एंड प्राइवेट लिमिटेड एंड जो पब्लिक लिमिटेड है, जस्ट बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग वो अगर आप एक्सप्लेन कर पाएंगे तो। तो अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरी की, तो सोल प्रोप्राइटरी इज वन ऑफ द ईजीएस्ट थिंग, कि अगर हमको देखना होता है कि कौन सा बिजनेस सबसे इजी होगा टू स्टार्ट,
जिसमें कंप्लायंसेस बहुत कम रहेंगे, जैसे आपने भी मेंशन करा कि कंप्लायंसेस पार्ट पे अगर हम देखें, रेगुलेशन पार्ट पे अगर हम देखें, तो सोल प्रोप्राइटरी सबसे इजी होता है। सोल प्रोप्राइटरी के अपने एडवांटेजेस हैं, जिन पर्सन को प्रेफर करते हैं कि यार पूरा बिजनेस का कंट्रोल हमारे पास रहे, वी शुड हैव ऑल द कंट्रोल, हम सारा प्रॉफिट हम रखें, तो वो पीपल विल ऑलवेज प्रेफर टू हैव अ सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस, क्योंकि उनके पास उस बिजनेस का कंट्रोल होता है, डिसीजन मेकिंग पावर मेरे पास मेरी रहती है, आई नो हाउ टू रन द बिजनेस एंड आई नो हाउ टू मेक द प्रॉफिट, तो वो मेरी प्रायोरिटी रहती है। कंप्लायंसेस बहुत कम रहते हैं, आप इंजॉय करते हैं सारा रिवॉर्ड। बट अगर हम बात करें कि उसके अगर कुछ प्रोज हैं तो उसके कुछ कॉन्स भी होंगे सोल प्रोप्राइटरी के। जैसे हम बोलते हैं कि यार आप अगर सारा प्रॉफिट रख रहे हैं तो सारी रिस्क भी आप रख रहे हैं, फिर नो डाउट आप सारी रिस्क भी आपके पास आप रहेगी, सारी रिस्क आपको लेनी रहेगी, जितना कंट्रोल आपके पास है, बट आपके पास फिर स्किल सेट एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म की, तो पार्टनरशिप में आपके पास टू और मोर पीपल हैं जो आपके साथ पार्टनरशिप में हैं, वो अपना अपना स्किल सेट लेके आएंगे, वो अपनी एक्सपर्टीज लेके आएंगे। वेयर इज इफ वी टॉक अबाउट द सोल प्रोप्राइटरी थिंग, तो सारी स्किल सेट सारा एक्सपर्टीज सब आपका है, सारा कैपिटल आपका लगा हुआ है, सारा पैसा आपका लगा हुआ है बिजनेस में, सारी रिस्क आपको लेनी है। स्मॉल बिजनेस के लिए इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू स्टार्ट विद अ सोल प्रोप्राइटरी फर्म। हम हमेशा ये बात करते हैं जिनको स्केल अभी वो उतना नहीं देखना चाह रहे हैं, बिकॉज इजीली कन्वर्टेबल है इन फ्यूचर, बट अगर अभी हम स्मॉल स्केल से स्टार्ट कर रहे हैं तो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद दिस थिंग, कि हम एक बार सोल प्रोप्राइटरी से स्टार्ट करें, कैपिटल हमारा कम लगता है, कंप्लायंसेस कम है, बट रिस्क फिर पूरी हमारी होती है। करेक्ट, पर्सनल लायबिलिटी भी उसमें आ जाता है, सो दैट इज क्वाइट क्वाइट वेरी वाइटल। और ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि लायबिलिटी इज समथिंग विच मोस्ट ऑफ द पीपल इग्नोर, एंड फिर बाद में जाके जब लीगल किसी दिक्कत में फंसते हैं तो फिर लगता है कि प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी करने से देन दे वुड हैव लिमिटेड लायबिलिटी, सो दैट इज समथिंग विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे जस्ट ऑलरेडी आपने एक्सप्लेन कर दिया, जस्ट थोड़ा सा अगर ब्रीफली एक्सप्लेन कर पाएंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप अगर कोई बिजनेस शुरू करता है, सो सोल प्रोप्राइटरशिप एज अ बिजनेस उसमें क्या फायदे हैं, क्या नफा नुकसान है, जस्ट सिंपल ओवरव्यू। अगेन सेइंग द सेम थिंग, फायदे सबसे बड़ा आपका फायदा होता है आपका कंप्लायंस पार्ट का, ईज टू स्टार्टअप। कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे माइंड में उस बिजनेस को क्या करना है उसका एक रफ आइडिया होता है। लाइक हम कोई भी स्टार्टअप ले रहे हैं तो हमको ये पता है कि यार इसमें हमको कैसे प्रॉफिट कमाना है, हमको क्या सेल करना है, हम कैसे पब्लिक से रीच करेंगे। बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि उसके पीछे के कंप्लायंसेस क्या क्या हैं। वी कांट स्टार्ट अवर बिजनेस ऐसे ही कि यार कल उठे सुबह और कर दिया। इट्स एज इजी एज दैट टू स्टार्ट विद अ सोल प्रोप्राइटरी फर्म, बट स्टिल थोड़े बहुत कंप्लायंसेस जरूर रहते हैं। आपको खुद को एक बिजनेस एस्टैब्लिश करना पड़ता है, तो वो बहुत ईजी हो जाता है इन कंपैरिजन विद एलएलपीज या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ऑल्सो हम अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वी वांट कि यार बिजनेस में हमारा एक कंट्रोल, एक हमारा डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास रहे, तो हमारे लिए वो बहुत जरूरी है कि हम एक सोल प्रोप्राइटरी से स्टार्ट करें ताकि हम अपने डिसीजन हम खुद ले पाएं और हम अपने बिजनेस में क्या चीज़ें इनिशिएट करनी है, क्या डिसकंटिन्यू करनी है, वो पावर हमारे पास रहे तो ज़्यादा ईजी रहता है। फिर सारा प्रॉफिट आपका है, जो आप मतलब जिनको रहता है कि यार नहीं, आई वॉन्ट टू अर्न फॉर माई सेल्फ, मुझे अपने लिए अर्न करना है, मैं अपना कर रहा हूँ, I am working for 10 hours, 12 hours, तो जो भी इनकम है वो मेरी होनी चाहिए, तो उनके लिए बहुत ईजी है टू हैव अ सोल प्रोप्राइटरी। विद ऑल द प्रोज देयर कम्स सम कॉन्स आल्सो। बिजनेस कंटिन्यूटी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कॉन हो जाता है। हम सिंगल हैंडेडली बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे बाद क्या, कभी कुछ चीज़ें नहीं बैठी, कुछ चीज़ें नहीं हुआ, हमारी हेल्थ इशूज हुए, हम डिसकंटिन्यू करना पा रहे हैं, बट हम बिजनेस अच्छा चल रहा है तो हु वुड रन आफ्टर अस, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद सारे रिस्क आपकी है, सारे लीगल ऑब्लिगेशन आपके हैं, सारा लॉस आपका है, अगर प्रॉफिट सारा आपका है तो लॉस भी सारा आपका है, उसमें आपको मिटिगेट करने को नहीं मिलेगा उसमें रिस्क। आप एक स्किल सेट पे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जो स्किल सेट आपके पास है, जो एक्सपर्टीज आपके पास है, उससे आप जितना कर रहे हैं दैट इज वेल एंड गुड, बट इफ यू रिक्वायर, जब आप ग्रो करेंगे तो आपको यू विल बी रिक्वायरिंग अ गुड टीम जिसके पास डिफरेंट स्किल सेट है, जिसके पास डिफरेंट एक्सपीरियंस है, अब वो अपना अलग एक्सपर्टीज लेके आ रहा है, तो वहां पर जाके कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आती है कि आपको एक रिस्ट्रिक्शंस आता है कि आप अपना माइंड से ही सोच सकते हैं, डिसीजन सारा आपका है बट फिर एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज भी सारा आपका ही है, तो वहां पर आके थोड़ा सा कहीं ना कहीं हॉल्ट आता है फिर ग्रोथ में। करेक्ट, सो अभी आपको सुन के लग रहा होगा कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप करना ही नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी जो है मूव कर सकते हैं। आई स्टार्टेड ऑफ विद सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद जब मैंने देखा कि हाँ यहाँ पे कुछ लायबिलिटीज हैं और जैसे बताया कि व्हाट नेक्स्ट, आपके बाद कौन, तो उस जगह पे डेफिनेटली जब आप लॉन्ग टर्म अगर कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, सो सोल प्रोप्राइटरशिप टिपिकली इट्स अ स्टेपिंग स्टोन, उसके बाद जो है आप अपग्रेड कर सकते हैं, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो जब आप शुरू करते हैं
सॉरी टू इंटरप्ट, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के साथ रिलेटेड है. सो व्हेन माइट बी अ पार्टनरशिप बी अ गुड ऑप्शन, और यहाँ पे हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ सोल प्रोप्रेटरशिप. ऑब्वियसली सोल प्रोप्रेटरशिप का मतलब तो होता है कि सोल मतलब एक ही बंदा या एक पर्सन जो है वो बिजनेस शुरू कर रहा है. सो पार्टनरशिप में और एक चीज़ आ जाता है, ये आपका नया चीज़ एडअप हुआ दैट इज कॉल्ड ओपीसी. सो ऐसा नहीं है कि आपको सोल प्रोप्रेटर, अगर आप अकेले हैं पार्टनर किसी को लेना नहीं चाहते हैं, अकेले बिजनेस करना चाहते हैं, सो यू ऑलरेडी हैव एन ऑप्शन ऑफ ओपीसी. उसके बारे में भी मैं पूछूंगा आपसे. सो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि व्हाट व्हेन माइट अ पार्टनरशिप बी अ गुड ऑप्शन फॉर अ बिजनेस वेंचर. सो कब अपग्रेड कर सकते हैं या फॉर एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन अगर करना चाहते हैं, सो वट आर द थिंग्स दैट द पर्सन शुड कंसिडर. जी ओके. सो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कि जो हमारे सोल प्रोप्रायटरी चीज में क्वेश्चंस हमारे रेज हो रहे थे, या जो हमको लग रहा था कि यार ये थोड़े से हमको हेजिटेट कर रहा था कि यार हम सोल प्रोप्रायटरी करें कि नहीं करें, तो उनके लिए पार्टनरशिप फॉर्म इज ऑलवेज अ वेरी गुड ऑप्शन. आपका कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अमंग्स योर पार्टनर. इनिशियली जो सबसे मेजर किसी को थॉट आता है कि यार हमारे पास आइडिया है बट फंड नहीं होता स्टार्टिंग के लिए, या हमारे पास उतना फंड नहीं है जितना हमको एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए, तो इसके लिए हमारी प्रायोरिटी चीज क्या हो जाएगी कि हम फंड कहाँ से लाएं. सो देन स्टार्टिंग विद अ पार्टनरशिप फर्म, उसमें हमारे टू और मोर पीपल कैन स्टार्ट अ पार्टनरशिप एंड वी कैन ग्रो विद दैट प्रोसेस. तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, कहीं ना कहीं रिस्क आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. ऑल्सो इट इज नॉट एज डिफिकल्ट टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म जितना बाकी कंपनीज या एलएलपी होती है. इट इज ऑल्सो वेरी इजी थिंग टू स्टार्ट. हम बहुत इजीली पार्टनरशिप फर्म भी स्टार्ट कर सकते हैं जैसे हम एक सोल प्रोप्रायटरी चीजें स्टार्ट करते हैं. आपकी रिस्क मिटिगेट हो जाती है, कंटिन्यूटी वाला जो क्वेश्चन रहता है वो कहीं ना कहीं आपका एक चीज में इसमें आके इजी हो जाता है आपको. बिकॉज अगर आप चार पार्टनर भी हैं एंड वन ऑफ देम इज रिटायरिंग और वन ऑफ देम हैज टू गो आउट ऑफ द बिजनेस, आपके बाकी तीन पार्टनर हैं, आप जब चाहें अपने बिजनेस में पार्टनर ऐड कर सकते हैं, जब चाहें अपने पार्टनरशिप फॉर्म में उसको कंटिन्यू डिसकंटिन्यू कर सकते हैं. तो ये आपके लिए बहुत बड़ा ईजी हो जाता है. फिर आप पार्टनरशिप फॉर्म में आपके पास डिफरेंट स्किल सेट आती है. अगर हम बात करें एक प्रोफेशनल बिजनेस की, अगर हम जो पर्टिकुलरली व्हाट आई ऑलवेज फील कि पार्टनरशिप फर्म एक प्रोफेशनल बिजनेस में हमेशा सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहता है, दिस इज अकॉर्डिंग टू माय व्यू. क्योंकि जैसे आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आई हैव अ डिफरेंट स्किल सेट. जैसे आपने स्टार्टिंग में मेंशन करा कि आई एम वेल वर्स्ड विद ऑडिट्स, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग सर्विसेज. अगर मेरा कोई फ्रेंड है हु इज वेरी गुड इन एसएमई आईपीओस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, हु इज वेरी गुड इन फाइनेंस एंड ऑल दैट थिंग्स, अगर हम दोनों एक पार्टनरशिप फर्म एस्टैब्लिश करते हैं, तो हमारा सिर्फ स्कोप नहीं, हमारा क्लाइंट बेस बढ़ता है. अगर हम इसमें एक और पार्टनर ऐड करते हैं जो इंडिया से बाहर बैठा है, हु इज लुकिंग आफ्टर द थिंग्स इंडिया के बाहर की, इंटरनेशनल टैक्सेशन हो गया, ये सब चीज़ें बहुत जरूरी है. यू व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस, आप सिर्फ एक ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन के साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए यू नीड पार्टनर्स ऑल ओवर द प्लेसेस. तो उसमें पार्टनरशिप बहुत बहुत हेल्पफुल होती है, जहाँ आपको स्किल सेट डिफरेंट मिलता है, जहाँ आपको ज्योग्राफिकल एडवांटेज मिलता है, एंड यू ग्रो विद दैट थिंग्स. Got it. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. और जैसे वही होता है कि समवन हु इज स्टार्टिंग आउट, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है, एंड अब बहुत आसान तरीके से उसको समझा रहे हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज हाउ डज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, दैट इज LLP, डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, और क्या इसमें लाइबिलिटीज होती हैं, किस तरीके से ये आपका डिफर करता है, थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर पाए. बेसिकली जो सबसे बेसिक डिफरेंस होता है वो लाइबिलिटी का ही होता है दोनों में. अगर हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस की पार्टनरशिप की बात करें, तो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में हमारा पैसा लगा हुआ है, हमारे असेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं उसमें. तो अगर कुछ भी लॉस होता है फर्म को, या कुछ भी केस ऐसा आता है, कुछ भी लाइबिलिटी ऐसी फंसती है जिसमें हमारा बिजनेस में जितना पैसा था उतना तो लग ही गया, तो हम उसके बाद हमारा पर्सनल असेट्स पे भी क्वेश्चन आने लग जाता है, और वो लाइबिलिटी हमारी पर्सनल असेट्स तक भी आ जाती है. वेयर इज इफ यू टॉक अबाउट LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो एज इट्स नेम सजेस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इट हैज कंट्रीब्यूटेड इन द बिजनेस. अब उससे ज्यादा उसके लिए लाइबल नहीं है. तो अगर पर्सनल असेट्स पे है, तो पर्सनल असेट्स में पार्टनरशिप फर्म, एक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म, वो तो लाइबिलिटी है, बट LLP में नहीं आएगी. ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल से बात करें, चार पार्टनर हैं, वी आर फोर पार्टनर्स, किसी एक पार्टनर की वजह से या उस बाय मिस्टेक फ्रॉड हुआ, बाय मिस्टेक उसने कुछ करा, कुछ भी चीज हुआ जिसकी वजह से कुछ इरेगुलेशंस हुए हैं हमारी फर्म में, हमारी फर्म पे कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस आए हैं, कुछ लीगल जजमेंट्स हुए हैं. अगर हम ट्रेडिशनल पार्टनरशिप की बात करेंगे, तो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में तो वी ऑल पार्टनर्स आर रिस्पांसिबल फॉर दैट. उसमें हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, दे आर इक्वली रिस्पांसिबल, जॉइंटली एंड सेवरली आप रिस्पांसिबल हो एक के एक्शन के लिए, यू ऑल आर रिस्पांसिबल फॉर दैट. वेयर इज अगर आप LLP की बात करेंगे, तो LLP में यू आर नॉट रिस्पांसिबल दैट मच फॉर योर अदर पार्टनर्स एक्शन.
आप अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल जरूर हैं, बट आप अपने दूसरे पार्टनर्स के एक्शंस के लिए उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। एंड वहां पर एक आपको एडवांटेज जरूर मिलता है इस चीज में कि आपको कहीं ना कहीं इस चीज से आप सेवियर हो जाता है। ऑल्सो अगर हम रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस पार्ट की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म इज वेरी इजी टू स्टार्ट। जैसे मैंने मेंशन करा था अभी प्रीवियसली भी कि पार्टनरशिप को स्टार्ट करने में ज्यादा दिमाग नहीं हमको लगाना पड़ता है, इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट, बहुत इजीली आप उसको प्लान कर सकते हैं, यू कैन मूव विद इट। बट एलएलपी को स्टार्ट करने के लिए उसके आरओसी कंप्लायंसेस होते हैं, उसके अलग ऑब्लिगेशंस होते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, वो थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स होती है टू स्टार्ट। तो एक वहां पर ये चीज प्लान हमको करना पड़ता है। तो दिस इज हाउ एक बेसिकली एक एलएलपी और एक पार्टनरशिप फर्म डिफर करती है। गॉट इट। सो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है एलएलपी एंड बेसिक पार्टनरशिप में। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से सोल प्रोप्रेटरशिप और फिर उसके बाद पार्टनरशिप, उसके बाद लिमिटेड जो एलएलपी होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है, तो उसमें किस तरीके से अंतर होता है एंड किस तरीके से लायबिलिटी मेन यहाँ पे फैक्टर हो जाता है लायबिलिटी। बिकॉज जब भी आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, यू आर ऑलरेडी टेकिंग रिस्क, बिजनेस शुरू कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ रिस्क, राइट? वो तो उसमें अश्योरिटी कुछ नहीं है कि बिजनेस मैंने अभी शुरू किया अभी बिंदास चलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सो आप ऑलरेडी रिस्क ले रहे हो, उसके बाद अगर बहुत सारे जैसे कंप्लायंस के रिस्क हो गए या अलग अलग रिस्क हो सकते हैं, तो यूएस में तो ऑलरेडी हमें पता है कि लोग एक दूसरे को सू करते रहते हैं, बट इंडिया में सू करते हैं बट अगेन बिकॉज ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस और द वे दैट इट वर्क्स, तो लोग सू नहीं करते, बट अगेन यू डू नॉट वॉन्ट टू टेक द रिस्क। सो इसलिए लायबिलिटी इज अ वेरी बिग फैक्टर अ लॉट ऑफ पीपल कंसिडर वेन स्टार्टिंग अ बिजनेस, और ये चीज़ आपको भी कंसिडर करना चाहिए अगर आप शुरू करें। सो दैट वॉज समथिंग विच एवरी वन आई थिंक शुड कीप इन माइंड। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने बात कर लिया एल एल पी के बारे में, सो अभी मेन क्वेश्चन आता है कि advantages and disadvantages of LLP and a private limited company and basic difference between LLP and private limited company. Okay, अगर हम एक private limited company की बात करते हैं, तो जो basic advantages होते हैं private limited company के, what I feel is कि आपने business start करा है, it is starting, it is growing. एक certain growth के बाद आपको funds की जरूरत पड़ती है, you have to raise funds, आपको एक fund उठाना पड़ता है। जैसे हम आजकल Shark Tank में बहुत observe करते हैं, people come for funding. जिसको हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडिंग होती है, वेंचर कैपिटल, आपका सीरीज ए राउंडिंग, सीरीज फंड, एसएमई आईपीओस भी ला रहे हैं आजकल लोग, तो फंड रेज करते हैं अपने बिजनेस के लिए। वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इन फ्यूचर व्हेन योर बिजनेस इज ग्रोइंग एंड यू नीड फंड्स, आप एक बिजनेस चला रहे हैं बट कहीं ना कहीं आपको फंड्स की जरूरत पड़ती है, फिर आप वो अगर लोन्स के थ्रू उठाते हैं तो आपके ऑब्लिगेशन बढ़ जाते हैं, आपका डेट बढ़ता है, एंड दैट इज वेयर पीपल आर प्रेफरिंग टू हैव अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सो दैट हम हमारे शेयर होल्डर्स से पैसा बुलवा सकें, हम हमारे प्राइवेट कंपनी को पब्लिक ले आ सकते हैं, लिस्ट करवा सकते हैं, पब्लिक का पैसा भी ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। सेकंड, क्रेडिबिलिटी। व्हाट आई ऑलवेज फील इज कि कोई इन्वेस्टर है, कोई पब्लिक है बाहर से, अगर उनको पैसा अपने इन्वेस्ट करना है तो दे विल ऑलवेज प्रेफर टू इन्वेस्ट इन टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हम क्रेडिबिलिटी की अगर बात करें तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की क्रेडिबिलिटी एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस स्ट्रक्चर ज़्यादा होती है। परपेचुअल सक्सेशन जो सबसे बड़ा फैक्टर जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में बात करी थी कि कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी की बात आ जाती है, कंपनी में ऐसा नहीं होगा बिकॉज कंपनी एंड योर शेयर होल्डर्स आर डिफरेंट एंटिटीज। एक आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसके शेयर होल्डर डिफरेंट एंटिटी होते हैं, तो शेयर होल्डर हैं नहीं है, आगे पीछे कम ज़्यादा हो रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी कंपनी वुड बी रनिंग, वुड बी कीप ऑन गोइंग एंड कीप ऑन गोइंग, और वो चलती रहती है। और तो जैसे हमने कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, हमारे पास फ्रेश टैलेंट आता है, फ्रेश पूल ऑफ रिसोर्सेज आता है, जिसको हम सबसे ज़्यादा हम बोलते हैं कि यार आपके ह्यूमन रिसोर्सेज आर योर बेस्ट रिसोर्सेज, तो उनको होल्ड करके रखना, उनको अपने पास रख के रखने के लिए ईस्टॉप्स ए वेरी गुड ऑप्शन जो हम प्राइवेट कंपनीज में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि हमारे जो हमारा बेस्ट टैलेंट है वो हमारे साथ ही रहे। अगेन विथ सम एडवांटेजेस यू हैव सर्टन डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, प्राइवेट कंपनी के अपने सर्टन डिसएडवांटेजेस हैं। अमंग्स ऑल द बिजनेस स्ट्रक्चर प्राइवेट कंपनी के रेगुलेटरी कंप्लायंसेस सबसे हार्ड होते हैं, मतलब बुरा नहीं है बट ऑब्वियसली बात है जिस पर्सन को एकदम नया बिजनेस स्टार्ट करना है, जिसको इतना नहीं समझता है, वो हमेशा ये प्रेफर करेगा कि कंप्लायंसेस जितने कम हो उतने अच्छे हैं। ईज ऑफ स्टार्ट की बात करते हैं, अगर मुझे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं नहीं चाहूंगा कि यार स्टार्टिंग में मुझे इतनी चीज़ों में फंसना पड़े, मेरे लिए जो सबसे ईजी है बिकॉज मेरे को अपने बिजनेस में सोचना है। तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस ओनर का ये पॉइंट आ जाता है कि मुझे इसको स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस फॉर्म करने के लिए मेरी प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं कहीं ना कहीं ईजी से स्टार्ट करूं, अपना पैसा अपना दिमाग बिजनेस में ज़्यादा लगाऊं, ना कि ये सब चीज़ों में। ऑल्सो डबल टैक्सेशन का भी एक फ़र्क पड़ता है, सिंस आई मेंशन कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड उसके शेयर होल्डर अलग अलग हैं, तो जो कंपनी अपना अर्न करती है प्रॉफिट उस पर कंपनी टैक्स भरती है, जो शेयर होल्डर अर्न करेंगे उस पर एक शेयर होल्डर अलग से टैक्स भरेगा, तो ऐसे डबल टैक्सेशन नहीं है बट दो बार अलग अलग सेम चीज़ पर टैक्सेशन तो जा ही रहा है।
तो कहीं ना कहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ये डिसएडवांटेजेस होते हैं। गॉट इट। सो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आई थिंक अगेन आपको थोड़ा सा शायद से कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जो LLP होता है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है, दैट इज़ अ सेपरेट एंटिटी। मतलब जैसे आप एक सेपरेट एंटिटी हो, इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ पर्सन, अगर आप सोल प्रोप्रेटरशिप करते हो तो फिर जो ओनर होता है वही आपका कंपनी होता है, सो बोथ आर द सेम। बट जब आप LLP शुरू करते हैं, ये चीज़ मैं आपको जस्ट क्लैरिफाई कर रहा हूँ और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ROC का मतलब है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सो कुछ टेक्निकलिटीज़ अगर आपको समझ में नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन और गूगल आप कर सकते हैं। गूगल आपका जो है हम सफर है, आपका दोस्त आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है, मे बी आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। आपको डरना नहीं है, डरने के लिए यहाँ पे जो कंटेंट हम तैयार कर रहे हैं या वीडियोज़ तैयार कर रहे हैं, आपको डराना नहीं है, आपको सिखाना है। सो ये आपका मेन मोटिव होता है। सो नेक्स्ट चीज़ पे चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट चीज़ हो जाता है कि टैक्स स्ट्रक्चर। ऑलरेडी हमको समझ में आ गया, लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि क्या क्या डिफरेंशिएशन होता है, किसको मतलब किस जगह पे किस तरीके से हम जा सकते हैं, कंप्लायंस क्या क्या होते हैं। बट नेक्स्ट हो जाता है, जैसे आपने बात किया डबल टैक्सेशन, या जो टैक्स स्ट्रक्चर होता है तो वो किस तरीके से अलग अलग होता है आपका सोल प्रोप्रायटरशिप LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, तो थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं अगर एक सोल प्रोप्रायटरी कंपनी से, तो सोल प्रोप्रायटरी के लिए जो टैक्सेबल इनकम होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। जो मैंने बिजनेस से इस साल अर्न करा वो मेरा पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। वो एक स्लैब रेट पे टैक्सेबल होता है, एक सर्टन स्लैब रेट होती है जो हमारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने इशू कर रखी है, उसके थ्रू वो अमाउंट टैक्सेबल होता है। उसमें हम बहुत सारे डिडक्शन जरूर क्लेम कर सकते हैं, सर्टन डिडक्शन होते हैं जो दे आर स्पेसिफाइड अंडर चैप्टर 6 है, उसमें एक मेंशन होते हैं कि ये सब आप डिडक्शन क्लेम जरूर कर सकते हैं। कंप्लायंस पार्ट पे हमेशा टैक्स स्ट्रक्चर और टैक्स, इसमें सोल प्रोप्रायटरी को सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, बहुत ईज आउट होता है टैक्स स्ट्रक्चर और ये सब है। इफ़ यू कम अपॉन टू द LLPs, LLP का एक जैसे मैंने आपको बताया कि LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दे आर डिफरेंट एंटिटीज टू देयर पार्टनर्स और टू देयर शेयर होल्डर्स। तो ये LLP हमेशा एक एंटिटी लेवल पर टैक्स रेट होता है, जो एंटिटी प्रॉफिट अर्न करेगी वो टैक्सेबल अमाउंट होगा, और उस पर एक फ्लैट रेट से टैक्स लगता है, दैट इज 30%। उस पर आपको एक फ्लैट रेट से 30% से टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम उसमें डिडक्शन की बात करें या हम उसमें से बात करें कि क्या क्या चीज़ें हमको डिडक्शन हो सकता है, तो दैट इंक्लूड आपका जो आपने इंटरेस्ट दिया है अपने पार्टनर्स के कैपिटल पे, या आप अपने पार्टनर्स को रेम्यूनेशन देते हैं, या कोई बिजनेस एक्सपेंसेस हैं लाइक ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, उन सब पे आपको बिल्कुल इसका डिडक्शन मिल जाता है। कंप्लायंस में आप अगर बात करें तो आपको एनुअल रिटर्न्स और ये सब फाइल करने होते हैं। इफ वी कम अपॉन टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एज मेंशन अगेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स डिफरेंट एंटिटी हैं, तो जो प्रॉफिट अर्न होगा वो कॉर्पोरेट लेवल पे टैक्स प्लान टैक्स भरा जाता है, विच वैरीज फ्रॉम 22-25% डिपेंडिंग अपॉन द आपका कंपनीज कैसा है, क्या ऑपरेशन में है, मैन्युफैक्चरिंग है, आपकी क्या स्केल है कंपनी का, उस पर डिपेंड करता है। फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी, टर्नओवर क्या है, उस सब पे वैरी करता है, स्मॉल है, लार्ज है, क्या है। इसमें भी डिडक्शन बहुत सारे आपको मिलते ही हैं, लाइक डेप्रिसिएशन एक बहुत बड़ा डिडक्शन होता है, R&D एक्सपेंसेस हो गए आपके, और आपके दूसरे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। आपको अपने टैक्स पे सरचार्ज और ये सब सेस और ये सब भी पे करना ही रहता है, वो तीनों पे कॉमन रहता है, वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है क्या रहता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एक और अलग अमाउंट होता है जो आपको शेयर होल्डर्स को पे टैक्स डिडक्ट होता है, उस पे टैक्स करता है। सो दीज आर हाउ द टैक्स आर बीइंग स्ट्रक्चर्ड इनटू ऑल द थ्री पार्ट्स। गॉट इट। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग। टैक्स में तो एक्चुअली टैक्सेशन समथिंग इज मेरे को तो समझ भी नहीं आता, सो आई लीव इट टू द प्रोफेशनल्स लाइक यू। तो यहां पे अगर आपको कोई सेशन फॉर दैट, या डेफिनेटली, और टैक्सेशन एक्चुअली पर्सनली बाकी सब समझ में आता है, टैक्सेशन दिमाग के ऊपर से ज्यादा है, सो विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बारे में डेफिनेटली वी कैन हैव अनदर सेशन। उसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी ऐसा इशू है, कोई भी अगर आप जानकारी चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट विजेंद्र जी, और उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट एंड डू सम कंसल्टेशन, जो भी आपको सही लगता है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हाउ कैन एन एंटरप्रेन्योर, कोई अगर बिजनेस शुरू करना चाहता है, किस तरीके से टैक्स बर्डन, बिजनेस तो शुरू कर दिया हमने, LLP या प्राइवेट लिमिटेड कर लिया, भाई धनाधन पैसा आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, बट यहाँ पे अगर टैक्स बर्डन तो बहुत ज़्यादा है भाई, पर्सनल टैक्स भी बहुत ज़्यादा देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, हर एक जगह पे टैक्सेशन ही भरा हुआ है, तो यहाँ पे टैक्स बर्डन को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, और कौन सा स्ट्रक्चर आपका सही होता है, मतलब जिसको हम चूज करने से हमें फायदा होगा। टू बी वेरी पर्टिकुलर, ऐसा कुछ पर्टिकुलर कोई होता नहीं है, सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स, जैसे हमने अभी भी बात कर रहे हैं कब से, और उस पर रिगार्डिंग यही होता है कि सब बिजनेसेस पे टैक्सेशन तो है ही, आपको टैक्स तो पे करना ही है, इफ यू आर अर्निंग तो आपको टैक्स पे करना ही है। सबके अपने अपने टैक्स स्लैब्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आप मेंशन करा था कि सोल प्रोप्रायटरी को एक टैक्स स्लैब पे देना है आपको टैक्स, LLP को अपने अलग पे देना है, और पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अलग रेट से टैक्स देना है। तो बर्डन तो इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द थिंग्स। स्मॉल कंपनीज हैं तो स्मॉल कंपनी हमेशा प्रेफर करती है जिनका प्रॉफिट इतना नहीं है,
तो वो हमेशा प्रेफर करेंगे कि सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस हो, बिकॉज उसमें स्लैब रेट से टैक्स जाएगा आपका, तो एक सर्टन अमाउंट तक आपको टैक्स अलाउड नहीं होता है, जो स्लैब रेट है हमारी न्यू एंड ओल्ड स्कीम। ऑल्सो उसमें डिडक्शन बहुत सारे रहते हैं, लाइक हमारे ATD के, LICs, ATC के डिडक्शन हैं, बहुत सारे डिडक्शन हैं, इंटरेस्ट ऑन होम लोन है, ये सब है, उसके बेनिफिट्स आपको एक सोल प्रोप्राइटरी को मिल ही जाते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट LLPs, तो LLPs के हमने जो मेंशन करा था कि फ्लैट रेट से टैक्स जाता है, और उसके डिडक्शन भी आपके बहुत सारे, जैसे इंटरेस्ट टू पार्टनर्स कैपिटल, आपका रेमुनरेशन आपने जो पार्टनर्स को दिया है, और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, वो सब चीज़ें होती है, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको बेनिफिट होती है। अगर हम डबल टैक्सेशन की जो मैंने बात करी थी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, वो इसमें नहीं आता है, बिकॉज जो पार्टनरशिप में प्रॉफिट होता है, जो पार्टनर्स को जाता है, वो टैक्सेबल नहीं होता, दैट इज एग्जम्प्टेड। तो ये आपको एक बेनिफिट जरूर मिलता है एक LLP में, एक पार्टनरशिप फॉर्म में, आप अपने लॉसेज कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगर कुछ पुराने लॉसेज हैं तो आप बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इफ यू अगेन टॉक अबाउट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अगर जो छोटी कंपनीज हैं, जो अभी इनिशियली स्टार्ट हुई है, दैट आर ग्रोइंग, उनके लिए, स्मॉल कंपनीज के लिए टैक्स रेट्स भी कम होते हैं। आप टैक्स हॉलीडेज, एक टिपिकल वर्ड है, इट कैन बी एक्सप्लेन इन टू ऑल टूगेदर डिफरेंट थिंग, उसके लिए एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा हो सकता है, बट अगर एक सिंपल बात करें तो बहुत सारे इनिशिएटिव होते हैं, इंसेंटिव मिलते हैं हमको, और टैक्स बेनिफिट्स तो आप ले ही सकते हैं कंपनीज में, दैट आर वेरी मच हेल्पफुल। ऑल्सो अगर हम एक बात करें तो बहुत सारे एक्सपेंसिस, बहुत सारे डिडक्शन भी अलाउड होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक और एडवांटेज होता है, दैट इज मैट क्रेडिट, दैट इज मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, तो हम उसका भी एडवांटेज ले सकते हैं अगर हम उसमें फॉल करते हैं, तो वो हम ऑफसेट करके एडवांटेज फ्यूचर ईयर्स में बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड करके यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तीनों के अपने प्रोज हैं, अपनी अपनी चीज़ों में तीनों बेनिफिशियल हैं। अगर हम एक सम अप करना चाहें तो सोल प्रोप्राइटरी इज बेस्ट फॉर सिंपलिसिटी, जहाँ पर इंडिविजुअल टैक्स बेनिफिट्स हैं, आपको लोअर कंप्लाइंसेस कॉस्ट आती है, LLP में आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की अपने पार्टनर्स को, जहाँ आपको डबल टैक्सेशन का इतना ध्यान नहीं रखना पड़ता है, यू आर वेरी मच ओके विद डिस्ट्रीब्यूटिंग योर सैलरी टू द पार्टनर, आप उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं बिजनेस एक्सपेंसेस में। जहाँ आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, वहाँ कॉर्पोरेट टैक्स के बेनिफिट्स, उसके इंसेंटिव्स, डिडक्शंस आप बिल्कुल क्लेम करके आप लार्जर बिजनेस को, स्पेसिफिक सेक्टर के बिजनेस को आप बहुत एडवांटेज ले सकते हैं इसमें, जहाँ मैन्युफैक्चरर्स और ये सबको बहुत एडवांटेज होता है। गॉट इट सो है एडवांटेज, है मतलब है, आपको मिलेगा एडवांटेज, सो उसका जुगाड़ आपको करना पड़ेगा, बट हाँ जुगाड़ कर देगा आपके लिए। हाँ तो वो जुगाड़ है, इसलिए हमारे पास विजेंद्र जी है, और इसी तरीके से आपको ग्रो करना है, बस सिंपल चीज़ है, मतलब आपको बिजनेस पे फोकस करना और बाकी जो चीज़ है उनको आउटसोर्स करना, दैट्स इट, वेरी सिंपल एंड इजी। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें मूव करते हैं, व्हाट आर द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स जब कोई भी बिजनेस शुरू करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप, OPC, यहाँ पे थोड़ा सा OPC के बारे में बात कीजिएगा, एंड LLP एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सो चार ही ऑप्शन है हमारे पास, तो उसमें उसका जो कंप्लायंस का रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा, सो इट विल बी रियली हेल्पफुल। OPC के बारे में अगर हम छोटा सा अगर एक डिस्क्रिप्शन करें तो OPC का फुल फॉर्म इज 1% कंपनी। हम हमेशा बात करते हैं कि कंपनीज में दो डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, एक सिंगल आदमी कंपनी कैसे स्टार्ट कर सकता है, बट एक सिंगल आदमी भी कंपनी स्टार्ट कर सकता है, दैट इज अ सेक्शन 8 1% कंपनी होता है, जहाँ पर एक सिंगल पर्सन बींग अ डायरेक्टर वो कंपनी के बेनिफिट्स भी ले सकता है, और उसको बहुत सारे उसके बेनिफिट्स भी होते हैं। बट व्हेन यू आर अ कंपनी, आपको खुद को एक कंपनी रजिस्टर करना है, बट आपको कंपनी के बेनिफिट्स उठाने हैं, बट यू आर अ सिंगल पर्सन, तो कहीं ना कहीं एक 1% कंपनी बहुत हेल्पफुल होता है, और उसके बहुत सारे डिफरेंट एरियाज होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट रेगुलेशंस होते हैं, वो ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट थिंग है, दैट्स अ वेरी वास्ट थिंग एंड टू गो इनटू दिस, बट इट हैज आल्सो उसके अपने एडवांटेजेस हैं, कि अगर हम 1% कंपनी स्टार्ट करना चाहें तो दैट इज आल्सो अ वेरी गुड आइडिया टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। कमिंग अपॉन कि क्या क्या रेगुलेशंस, क्या क्या कंप्लायंस पार्ट होते हैं सारे बिजनेस स्ट्रक्चर के, तो अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस की, तो जो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है, दैट इज आपको ITRs, आपके GST रिटर्न्स, आपके TDS के कंप्लायंसेज, ये सब तो आपको हर तीनों में ही मेंटेन करने पड़ेंगे, दैट इज नथिंग डिफरेंट है, तीनों में कुछ नया नहीं है, तीनों में वेदर इट इज सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस, जहाँ आप LLP हैं, चाहे आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपको अपने बेसिक तो आपको करना ही है। फॉर्म्स वेरी करते जाते हैं, ITR के फॉर्म्स 3 or 4 होता है सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस के लिए, 6 होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। TDS के कंप्लायंसेज होते हैं, PF, ESIC कंप्लायंसेज होते हैं, फिर उसके अलावा अगर आप देखें तो अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट जो होती है, अगर आप उसको एक्सीड करते हैं, पर्टिकुलरली टॉक अबाउट सोल प्रोप्राइटरी और LLP बिजनेस में, तो आपको अपनी बुक्स का ऑडिट भी कराना पड़ता है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ता है, ये कहीं ना कहीं एक रिक्वायरमेंट और ऐड हो जाती है आपके लिए अगर आप एक थ्रेशोल्ड लिमिट से वैरी करते हैं, विच डिपेंड्स। अगर आप LLP की बात करें तो LLP में थ्रेशोल्ड लिमिट 40 lakhs होता है आपका टर्नओवर का, तो वैसे ही अलग अलग होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर आपको ऑडिट तो एक CA से करवाना ही है, कहीं ना कहीं आपको बुक्स ऑडिटेड प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं। सोल प्रोप्राइटरी में कंप्लायंसेज ज्यादा नहीं होते हैं, जैसे हमने पहले भी बात करी थी, बट इफ यू टॉक अबाउट LLPs एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी,
तो उसमें थोड़े कंप्लायंसेज, एनुअल रिटर्न हो गया आपका, आरओसी के कंप्लायंसेज होते हैं। अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो MGT 7 फॉर्म होता है, AOC फॉर्म होता है, ये सब एक्स्ट्रा फॉर्म्स होते हैं, ये सब आपको कंप्लायंसेज हर साल कराने मैंडेटरी हैं, ये सब आपको एक्स्ट्रा कंप्लायंसेज और रेगुलेटरी रहता है। LLP और पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अगर हम बात करें तो उनको रजिस्टर भी करना पड़ता है, स्टार्टिंग आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करानी पड़ती है, आपको अपनी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर करानी पड़ती है। तो दीज आर ऑल द बेसिक कंप्लायंसेज जो आपको पूरे करने पड़ते हैं विद इन द ईयर। सो ग्रेट, दैट वॉज अ ग्रेट सेशन। तो यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लिस्ट वी आर द फाइनल क्वेश्चन, आपका एक्सपीरियंस है, आप बताइए एज एन एक्सपर्ट कि कौन सा, मतलब क्या क्या मिस्टेक हो सकता है जब कोई एंटरप्रेन्योर या कोई भी बिजनेस शुरू कर रहा है और यहाँ पे सिलेक्शन गलत तरीके से करता है, अगर गलत कर रहा, मतलब गलत सिलेक्शन भी हो गया है, सो हाउ कैन दे फिक्स देम? ओके, तो बहुत बेसिक सी चीज़ है कि जो मिस्टेक्स कॉमनली हम ऑब्जर्व करते हैं, बिकॉज सिंस वी आर इनटू दिस फील्ड और हमको दिखता है कि वी हैव यू हैव योर क्लाइंट्स दैट वेरीज फ्रॉम एवरी फील्ड, वो चाहे एक सिंगल प्रोप्राइटरी बिजनेस भी होगा, पार्टनरशिप फर्म भी होगी, कंपनी भी आएगी आपके पास। जो कॉमन मिस्टेक्स, जो एक माइंड प्रोसेस जो होता है वो होता है कि आप सिंप्लिसिटी, क्योंकि पार्टनरशिप प्रोप्राइटरी फर्म में बहुत सिंपल है, कंप्लायंसेस पार्ट नहीं है, आप उसकी वजह से एक प्रोप्राइटरी फर्म में घुस जाते हैं। दैट इज ऑल टूगेदर अ वेरी गुड थिंग, आपको लगता है कि यार सारा रिवॉर्ड मेरा होगा, बट कहीं ना कहीं आप ये भी मिस करते हैं कि सारी लाइबिलिटी भी आपकी है, पर्सनल लाइबिलिटी आप पूरी एक्सटेंड तक आपकी है, कहीं ना कहीं आप हम उस चीज़ को जरूर मिस कर जाते हैं। और जो हम या तो हम जो एक फैक्टर और मिस करते हैं कि दैट इज ओवरलुकिंग द लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान्स, अगर हम कहीं ना कहीं ये भी चीज स्किप करते हैं कि हम शॉर्ट टर्म प्लान के साथ तो जरूर चलते हैं कि स्टार्टिंग में ये ऐसा है, हम एक स्केल करना चाहते हैं, बट अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास एटलीस्ट एक थोड़े विजन बिजनेस के साथ होना चाहिए, हम उस चीज़ को अलाइन कर सकें कि यार आफ्टर 5 ईयर्स हमारा बिजनेस यहाँ तक होना चाहिए, हम इसको खुद को ऐसे देखते हैं। तो यू शुड ऑलवेज थिंक अहेड एंड चूज अ स्ट्रक्चर की जो आपके करंट और फ्यूचर नीड्स के साथ अलाइन कर सके, ग्रोथ प्लान के साथ अलाइन कर सके। ऑल्सो बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं टैक्स के इम्प्लीकेशंस को, हम क्या करते हैं, हम टैक्स इम्प्लीकेशंस बहुत डिफरेंट होते हैं, तो हमको ये भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए कि कौन से टैक्स स्ट्रक्चर हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। स्टार्टिंग अ बिजनेस हम कुछ भी कर सकते हैं, बट वेन योर बिजनेस स्टार्ट टू ग्रो, हम एक पोजिशन पे आते हैं जहाँ हमारा बिजनेस उस स्टेबल क्वेश्चन पे है कि जहाँ हमको कहीं ना कहीं ये भी सोचना पड़ता है कि हमारे टैक्स कंप्लायंसेस क्या हैं, हमें कैसे उसको आगे करना है, कंप्लायंस बर्डन कहीं ना कहीं वो भी आता है, हम उतने कंप्लायंसेस फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं, बट हम वी वॉन्ट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बट हम उतने ईयरली कंप्लायंस फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी अपने सर्टन पेनल्टीज होती है, तो वो हमको फिर कहीं ना कहीं बाद में फ्यूचर में बहुत हॉन्ट करती है कहीं ना कहीं चीज़ें। एक कंट्रोल का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमने सिंगल हमारा कंट्रोल के लिए तो हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बट हमारे पास स्किल सेट नहीं है, हमें आगे ग्रो करना है। ईजी है, आप अपना बिजनेस कभी भी सोल प्रोप्राइटरी से पार्टनरशिप में कन्वर्ट करा सकते हैं, कभी भी वो पार्टनरशिप को आप एक कंपनी में कन्वर्ट करा सकते हैं, बट एक जो भी आपका माइंड होता है वो आप स्टार्टिंग से जितना फ्रेम करके चलेंगे उतना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इनिशियल कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, हम सब समझते हैं कि आप स्टार्टिंग में हम कितना पैसा लगाना चाहते हैं हमारे बिजनेस में, वो एक बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिसीजन ये होता है कि हम क्या हमारे अकेले के पैसे से बिजनेस रन कर सकते हैं, क्या हमको और लोगों के पैसे की जरूरत लगेगी, क्या हम 3-4 लोग इनफ हैं कि नहीं, वी विल रिक्वायर एक्स्ट्रा फंड्स, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है टू चूज। एज ऑलवेज आई हैव मेंशन कि मिस्टेक्स ऐसे कॉमनली वो है नहीं, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम हमारे थॉट प्रोसेस से कुछ ना कुछ सोच के हम चीज़ें स्टार्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो जब वो बिजनेस बढ़ता जाता है तब हमें बिल्कुल कहीं ना कहीं कंसल्ट करना चाहिए टू प्रोफेशनल्स टू हैव अ बेटर आइडिया कि हम उसमें और क्या बेनिफिट कर सकते हैं, क्या करंट मार्केट है, बिकॉज जो प्रोफेशनल्स हैं वो कहीं ना कहीं इसके लिए एक तो अपडेटेड बहुत रहते हैं, आप उनसे कंसल्ट करेंगे तो आपको ये भी आइडिया लगता है कि करंट अभी क्या सिनेरियो चल रहा है, व्हाट इज द थिंग जो कंपनी जिससे ग्रो कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बहुत बेनिफिशियल है। एडवांटेजेस भी हैं अपने सब बिजनेस के, डिसएडवांटेजेस भी हैं, इट इज़ हाउ अपॉन टू यू रन द बिजनेस। करेक्ट करेक्ट, सो दैट वॉज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन एंड आई होप अभी तो हमने 30 मिनट जो है यहाँ पे बातचीत किया, एंड अगर आप शुरू कर रहे हैं यहाँ पे आधे घंटे पहले आपने शुरू किया था, अगर आपको कोई आइडिया नहीं था, प्रीटी मच श्योर दैट यू आर वेरी क्लियर कि भाई क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, अब थोड़ा सा आइडिया आपको डेफिनेटली मिल गया होगा। सो दैट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन, सो रियली थैंक यू एंड थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। सो नेक्स्ट डेफिनेटली हम लोग कनेक्ट करेंगे, विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट टैक्सेशन एंड एवरीथिंग दैट यू नो सीए कैन हैंडल ऑन बिहाफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज यहाँ पे वही होता है ना कि जब कोई बिजनेस शुरू करता है उसको टीम चाहिए, जैसे पहले आप अकेले शुरू होते हैं, अकेले बिजनेस आपने शुरू किया, फिर आस्ते आस्ते बाकी लोग जुड़ते रहते हैं, और यहाँ पे सीए आपका जो होता है ना वो आपका एक बहुत ही गोलकीपर टाइप का होता है, कोई आपको अगर गोल देना चाहता है सो दे कैन डेफिनेटली हेल्प यू यू नो सेव एंड सेव योर सेल्फ। So yeah, thank you, thanks a lot, and it was a very informative session, and
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं, एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद विजेंदर जी, डेफिनेटली उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपका शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट एंड यू नो टेक अहेड जो भी आपका क्वेश्चन क्वेरी, एंड ही कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट. सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. श्योर. सो अभी